अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी यानी साइटोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्ट टू। पार्ट वन जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको वो देखना है तो पराए बटन पर क्लिक करें, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी। आज जो है हम लोग पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, साग खुलिये क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके इस्तेमाल क्या है। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हयाती टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या है और उसके इस्तेमाल क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मस्नूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने के बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान के फ़ायदे के मकसद से जो है किया जा रहा है, और इसमें क्या किया जाता है, जानदारों में, चाहे फिर वो हैवान हो, इंसान हो, नबातात हो, उनमें जो है मस्नूई तौर पर उनके जीन में तब्दीली की जाती है, जिससे जो है वो बहुत से फ़ायदे इस तरह के होते हैं कि उसमें जो है ताकत बढ़ाने की कुव्वत आती है, कुव्वत मुदाफ़ियत आती है, और लंबे अरसे तक काम करने की कुव्वत होती है। इसके अलावा नस्ल बढ़ाने में, अलग अलग किस्म की नस्लें बनाने में, इन सारी चीज़ों में जो है वो हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हयाती टेक्नोलॉजी में नसीजी काश्त यानी जो लैब में फार्मिंग होती है, जैसे ट्यूब वगैरह में और बुरे सॉल्यूशंस वगैरह डालकर जो है वो खेती की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो पूरा हम लोगों ने सातवां सबक पढ़ा वो, हयाती कीमियाई मॉलिक्यूल साइंस यानी जो डीएनए वगैरह है, और जीन इंजीनियरिंग यानी जो जीन में तब्दीली की जाती है वो, इन सब चीज़ों का शुमार जो है वो हयाती टेक्नोलॉजी में होता है। इसमें जो दो मेन चीज़ें हयाती टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल हुए, उसमें सबसे दो मेन चीज़ ये है, एक तो ज़रात और एक है मेडिसिन। ज़रात में क्या हुआ, ऐसी नस्लें बनाई गई या ऐसे जो है केमिकल्स बनाए गए जो फसल को नुकसान भी ना पहुँचाए और उनकी ज़्यादा पैदावार हो, यानी बड़े पैमाने पर फसल जो है वह उगाई जाती है, और आला दर्जे की किस्में, ऐसे नबातात जिनमें बहुत से न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, ऐसी जो है बहुत सारी किस्में बनाई गई है लैब में और फिर उसकी जो है अब खेती की जाती है। तो ऐसे आला दर्जे की इकसाम और ज़्यादा पैदावार जो है वो ज़रात में की गई है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, और अद्वियात में यानी मेडिसिन में ज़िद्द हयात यानी एंटीबायोटिक्स, विटामिन और इंसुलिन जैसे बहुत से मुहरकाब की तैयारी जो है अब लैब में होती है, और जो इस तरह से की जाती है कि वो इंसान बॉडी को जो है वो ज़्यादा नुकसान भी ना करे और उनका जो है काम भी हो जाए। हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर ज़ेल की चीज़ों को शामिल किया गया है। खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ सलाहियतों का इस्तेमाल करना, मसलन दूध से दही बनाना, शक्कर के मैल से शराब बनाना, ये चीज़ें हमने सेवेंथ चैप्टर में पढ़ी थी कि किस तरह अलग अलग तरह के खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके जो है वो उन्हें दूध के साथ मिलाया जाता है या दूसरी चीज़ों के साथ मिला कर जो है उनके साथ उन पर अमल करके जो है फिर उससे जो है एक नई चीज़ बनती है। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी में है, इसको शामिल किया गया है। खुलियों की पैदावारी सलाहियत का इस्तेमाल करना, मसलन मखसूस खुलियों के ज़रिए एंटीबायोटिक या टीके यानी वैक्सीन वगैरह तैयार की जाती है। ऐसे कुछ खास किस्म के खुलियात होते हैं जिनको जो है वो निकाल कर और उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर कर जो है वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन वगैरह अलग अलग बीमारियों की बनाई जाती है। डीएनए प्रोटीन जैसे साल में इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना किस तरह होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। जीन में तब्दीली, जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हस्ब ख्वाहिश खसूसियात वाले नबातात, हैवानात नेज मुख्तलिफ अशिया तैयार करना, मसलन जानदारों में जीनी तब्दीली करके इंसान की नशोनुमा के हार्मोन्स तैयार करना, यानी जो है वो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि दो अलग अलग जीन्स को लेकर और उनमें जो है कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से नबातात की अलग एक नस्ल बनाई गई है और हैवानात की अलग किस्म बनाई गई है, मतलब अलग अलग तरह की जो है हैवानात एक तरह से ईजाद करना बोल सकते हैं हम इसको, अलग अलग जीन्स को मिलाकर एक नया हैवान बनाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ जानदारों में से जो है वो इस तरह की जेनेटिक तब्दीलियाँ करने के बाद जो है वो इंसान के नशोनुमा के लिए हार्मोन्स उसमें से तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी यानी नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी में मुकम्मल खुलिया या नसीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने पार्ट वन में देखे, मसलन नसीज की अफजाइश, नकल मखलूत नस्ल बीजों की पैदावार वगैरह जो हम आगे देखने वाले हैं। हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे, तो सबसे जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क के लिए। और हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि दुनिया में ज़रई ज़मीन महदूद होने की वजह से
फी हेक्टर में ज़्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हुआ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो अब लैब में बनने लगी है कि उन चीज़ों के इस्तेमाल से जो है वो बड़े पैमाने पर हम जो है पैदावार कर सकते हैं, कम जगह पर ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। इस तरह से कुव्वत मुदाफ़त तैयार होने की वजह से बीमारियों पर काबू पाने वाला खर्च कम होता जा रहा है, और इसके अलावा जल्द फल देने वाली अकसाम तैयार होने की वजह से साल भर में ज़्यादा पैदावार का हासिल करना मुमकिन हो गया। यानी पहले जो है वो एक फल को जितना टाइम नेचुरली लगता था उतना टाइम ही लगता था, लेकिन अब जो है वो इस तरह की बीजें आने लगी है कि उससे जो है वो फल जल्दी पक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो साल भर में ज़्यादा पैदावार होती है। दर्ज हरारत में तब्दीली, पानी की मकदार, ज़मीन की जरखेज़ी में तब्दीली, माहौलियात में तब्दीली, ऐसी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने वाली जो है वो चीज़ें आ गई है कि अब जो है वो इन चीज़ों के, यानी टेम्परेचर बदलने से या पानी के कम ज़्यादा होने से, माहौल में तब्दीली होने की वजह से जो है वो पैदावार जो है वो ख़राब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, या लंबे अरसे तक जो है वो सही रह सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो फूड इंसाइट की तरफ से आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें जो है कुछ चीज़ें बताई गई है कि बायोटिक आने से पहले और बायोटिक आने के बाद जो है वो कितना चेंजेस हुआ। तो हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो कुछ खास किस्म के जो है पेस्टिसाइड्स, यानी जो जराशिम कश और हशरात कश दवाएं हैं, वो बनाई गई है जो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएगी, तो उसमें जो है वो काफ़ी कमी हुई है। यानी अब फसल उतनी ख़राब नहीं होती है जितनी पहले होती थी, और इंक्रीज इन यील्ड्स, यानी पहले जो है पैदावार जितनी होती थी अब जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, और इसकी वजह से जो है वो जैसे ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेचा जाएगा उसको, तो इस वजह से जो है वो किसानों की इनकम में भी जो है वो इजाफा हुआ है। भारत में हयाती टेक्नोलॉजी की तरक्की, 1982 में भारत सरकार ने कौमी हयाती टेक्नोलॉजी कमीशन जो है कायम किया गया था, और 1986 में इस कमीशन को वज़रात बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत हयाती टेक्नोलॉजी महकमे के मातहत कर दिया गया। यानी ये जो इंडिया का साइंस मिनिस्टर, सॉरी साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर अब ये काम करता है। आज भारत में मुख्तलिफ इदारे इस हयाती टेक्नोलॉजी महकमे के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स, तो इस तरह से जो है बहुत सारे इसके अंडर अब ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। इन इदारों में आला तालीम और तहकीक की सहूलतें मुहैया की गई है, जहाँ हजारों तलबा डिग्री और PhD सतह की तालीम हासिल करके हयाती टेक्नोलॉजी के ताउन से मुल्क भर की तरक्की में ताउन करते हैं। यानी कि इसमें जो है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, प्लस रिसर्च में भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी हयाती टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये लोग भी रिसर्च एंड स्टडी का काम करते हैं। अब हम देखते हैं हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, खुसूसन जो कारोबारी इस्तेमाल है वो, तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी, यानी कि ज़रात के शोबे में जो है हयाती टेक्नोलॉजी ने किस किस्म का काम किया है। मोस्टली इसमें जितनी भी चीज़ें अभी आपको आएगी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगी, तो आप लोग जो ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मखलूतुन नस्ल बीज, मखलूत करना यानी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाना, तो दो अलग अलग नस्ल को मिलाकर एक बीज बनेगा, यानी दो अलग अलग फसलों के जीन यकजा करके मुख्तलिफ फसलों की मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। फलों में जो है इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, यानी हो क्या होता है, दो अलग अलग जो है वो फल लिए जाते हैं, उनके जीन इकट्ठा किए जाते हैं, और फिर उसमें से जो है वो उनको मिलाकर एक अलग किस्म का बीज तैयार किया जाता है, यानी वो एक अलग किस्म का फल बनता है या अलग किस्म का कोई नबातात वजूद में आता है। तो इसमें जो है ये वाली जो मखलूत नस्ल बीज है वो स्पेशली जो है वो फलों के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पर एक आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, वो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि एक जो फल है वो साइज़ में अच्छा है और दूसरा फल जो है वो रंग में अच्छा है, तो A+B किए तो हमको जो सी प्रोडक्ट मिलेगा उसमें साइज़ भी होगी और उसमें जो है वो रंग भी होगा। तो इस तरह से अपनी पसंद की जो है खसूसियात वाले फलों के बीज को जो है, या जो भी फसल है उसके जीन को इकट्ठा करके जो है वो एक बीज बनाई जाती है, और फिर उस बीज का जो है वो प्रोडक्शन होती है, और वहाँ से जो है एक नया नई फसल जो है वो बनती है। जैसे आप लोगों ने जो पाइन बेरी देखी हो, तो जो बीज स्ट्रॉबेरी है उसके जीन और जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी आती है उसके बीन मिलाकर पाइन बेरी बनी है। एप्रिकॉट और प्लम, ये दोनों फ्रूट्स को मिलाकर जो है वो प्लम कॉट बना है।
मैंडेरिन जो ऑरेंज की एक किस्म है वो, और रेड फिंगर लाइम, इन दोनों को मिलाकर जो है वो ब्लड लाइम बना है, आप लोग ये सर्च करके देखिएगा। और रेसबेरी और ब्लैकबेरी को जो है इनके जीन को मिलाकर टेबेरी जो है वो बनी है, और उसमें देखिए रसबेरी का कलर आया है, ब्लैकबेरी का टेक्सचर आया है। तो इस तरह से जो है अलग अलग किस्म बनाई जाती है। जीन में तब्दील शुदा फसलें जिसे जीएमओ कहा जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बाहर के जीन को किसी फसल के जीन के सांचे में डालकर मिलने वाली हस्ब ख्वाहिश खासियत वाली फसल को जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। यानी किसी एक चीज़ का जीन लेकर और किसी फसल के जीन में उस चीज़ को ऐड कर देना, और फिर जो है वो उसके हिसाब से जो है एक अलग फसल बनेगी, उसे जो है वो जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि फसलों में जो है वो ज़्यादा कुव्वत मुदाफियत हो, नमक को रोकने वाली फसलें, और गया यानी जो जायद घास होती है उसे दूर करने वाली फसलें, कहत ने सर्दी की हालत में भी सही रहने वाली यानी कि इस्तेकाम रहने वाली, ख़राब ना होने वाली, सूखे ना, इस तरह की फसलें जो है, इस तरह की किस्में इसमें बनाई जाती है। इसमें जो है सबसे पहले एक एक जो है जीन लिया जाता है, फिर उसके ज़रिए जो है वो दूसरे जीन में उसको डाला जाता है, फिर वो जो है वो आगे प्लांट्स बढ़ता है। इसकी जो कुछ मिसालें हैं जैसे भुट्टा है, और जो सोए है, कॉटन है, कॉटन की किस्म हम आपको आगे दिखाएंगे, पपैया है, और चावल में जो है वो इस तरह की गई है चीज़ें, कैनोला ऑयल जो आता है वो इसकी मिसाल है, आलू में और जो है टमाटर में भी इसका इस्तेमाल, मतलब ऐसी फसलें बनाई गई है, और मटर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी जो है वो ऐसी किस्म की फसलें यानी जीन में तब्दील शुदा फसलें मौजूद है। अब जो है ये बीटी होता है, एक तरह का खुर्दबीनी हयातियात है, ये जिसका फुल फॉर्म है बैक्यूलेस थ्यूरिन जिनसिस, यानी ये एक किस्म का जो है वो खुर्दबीनी हयातियात है जो नबातात और नबातात में जो कीड़े लगते हैं या जो दूसरे नुकसानदेह हयातियात लगते हैं उनको जो है ये ख़त्म करता है। अब इसका इस्तेमाल करके भी जो है वो हमने अलग अलग फसलें बनाई है, जैसे बीटी कॉटन यानी बीटी कपास, बेसिलस थ्रिजिनेनिस, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, सो ये एक बैक्टीरिया है, इसमें से जो है वो, इस बैक्टीरिया में से एक मखसूस जीन निकाल कर कपास के बीज में जो है वो डाला जाता है, और फिर उससे जो पौधे तैयार होते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो कपास के पौधे पर लार्वे लगते हैं, जो यानी जो कपास का पौधा होता है उसे जो लार्वे खाते हैं, तो उनके जीन में जो है यानी ये जो जीन निकाला गया है बीटी जो जीन है वो उन लार्वों के जिस्म में जाकर उनकी गिजा की नाली को ख़राब कर देता है, और उसकी वजह से लार्वे जो है वो मर जाते हैं। तो एक ये जो है वो साइंटिस्ट ने नई किस्म बनाई बीटी कॉटन, जिसमें जो है वो बीटी इस हयातियात को डाला जाता है, यानी इसके एक खास जीन को निकाल कर जो है वो कपास के बीज के साथ मिलाया जाता है, और फिर जब उससे एक कपास का पौधा बनता है और उसे जब कोई कीड़ा खाता है या लार्वे खाते हैं तो वो उनकी गिजा की नाली को ख़राब कर देता है और वो कीड़े जो है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहता है, और जो भी चीज़ें नुकसानदायक है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है बीटी बैंगन, ये भी जो है वो बीटी में से मिलने वाले एक जीन के ज़रिए बनाया गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैंगन बनते हैं उसमें एक लेपिडोप्टेरॉन नाम का कीड़ा होता है, उसे बर्बाद करने वाले जीन के अज्जा होते हैं, यानी बीटी बैंगन में से एक जो है वो बीटी हयातियात में से एक खास किस्म का जीन निकाल लिया जाता है और उस बैंगन में मिलाया जाता है। उसकी वजह से जब बैंगन जो बनते हैं उसके अंदर जो है वो इस कीड़े को यानी कि लेपिडोप्टेरॉन नाम का जो कीड़ा है उसको बर्बाद करने के अज्जा होते हैं, तो इस तरह ये भी जो है वो कीड़ों से बच सकती है। उसके बाद चावल में किस्म है गोल्डन राइस, चावल किस किस्म में हयातीन ए यानी विटामिन ए बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है। 2005 में तैयार किया गया गोल्डन राइस 2 जो है वो इसमें असल चावल यानी जो नॉर्मल चावल है उसके मुकाबले में 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन जो है वो पाया जाता है। अब ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये डेफोडीज नाम का जो है एक फूल होता है उसमें से हासिल किया जाता है, तो उसके जीन में से ये निकाला जाता है, फिर उसमें जो है थोड़ा अमल कर कर जो है उसे चावल के जीन में मिलाया जाता है, और फिर उसकी फसल होती है तो गोल्डन राइस बनता है, और गोल्डन राइस एक्चुअली गोल्डन कलर में होता है। ये जो है नॉर्मल चावल है जो हम यूज़ करते हैं, और ये जो है येलो शेड में आपको दिख रहा है वो है गोल्डन राइस।
उसके बाद आता है घास खत्म करने वाले नबातात। अब ये क्या होता है, जो नॉर्मल फसल होती है हमारी, उसके आसपास जो घास होती है उसकी वजह से फसल की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है, और जब उन एक्स्ट्रा घास को खत्म करने के लिए उस पर घास खर्च यानी उस घास को खत्म करने के लिए जो है वो उस पर स्प्रे किया जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी फसल है उस पर भी जो है वो बुरे असरात हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ऐसे पौधे तैयार किए जा रहे थे जो है अपने आप जो है वो घास को जो है वो खत्म कर दे, तो उसके जरिए जो है वो घास को खत्म करना मुमकिन हो सका। यानी ऐसे जो है वो कुछ खास पौधे बनाए गए जिसमें जो है वो उसको लगा दिया जाए, अगर फसलों के आसपास जो एक्स्ट्रा घास है वो जो है अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है बायो फर्टिलाइजर यानी नामियाती खाद। कीमियाई खाद का इस्तेमाल हमको पता है कि किसी भी फसल के लिए कितना नुकसानदेह होता है और फिर उसे खाने वालों के लिए भी नुकसानदेह होता है, तो कीमियाई खाद का इस्तेमाल ना करते हुए अब जो है वो नामियाती खाद का इस्तेमाल करके फसलों में नाइट्रोजन का तायुन नेस फास्फेट के हल होने की सलाहियत, ये दो चीज़ें जो है वो बढ़ा दी गई है। इसमें जो है वो खासतौर पर राइजोबियम एजेटोबैक्टर नोस्टैक एनाबिना बैक्टीरिया और अजोला यानी नीलगो सब्ज काई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ऐसे नामियाती खाद बनाने के लिए। और जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो सिर्फ जो है वो नबातात में जो है न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर है वो जो है उस मिट्टी को भी सही रखता है, वो मिट्टी को बंजर नहीं होने देता। इसके अलावा नबातात की भी नशोनुमा होती है और उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सारी चीज़ों को स्टेबल रखते हुए किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता उसमें। और इसके लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने बताया राइजोबियम एजिटोबैक्टर नोस्टैक एनाबिना बैक्टीरिया और अजोला वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हैवानात की अफजाइश यानी एनिमल हस्बेंडरी, यानी जो जानवरों के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, तो मस्नूई तखमरेजी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जिनीन की तब्दीली जो है इन दो तरीकों का इस्तेमाल खास तौर पर हैवानात की अफजाइश के लिए किया जाता है, जिसमें दूध गोश्त भेड़ नेज मेहनत का काम करने वाले जो जानदारों की मुख्तलिफ नस्लें हैं उसमें जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये जो मस्नूई तखमरेजी यानी कि एक जीन को जो है वो मतलब एक मजबूत जीन को निकाल कर जो है वो उसे मादा में डालना और फिर उससे जो है वो एक नस्ल बनती है वो, और एक जो है वो जीन में तब्दीली करके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हैवानात यानी अलग एक किस्म के हैवान को बनाना, तो दो तरह से जो है वो इसमें होता है, एक किसी भी जानवर के जीन को निकाल कर सेम मतलब सेम ही किस्म वाले मादा जानवर में डालना और उससे जो है नबाता सॉरी हैवानात का बनना, और दूसरा होता है कि एक नस्ल का हैवान लेना उसका जीन निकालना और फिर दूसरी नस्ल का हैवान लेना उसके जीन निकालना और उन दोनों जीन को मिलाकर लैब में जो है वो उस हैवान की नशोनुमा करके जो है वो एक नई किस्म का हैवान बनाना। तो ये दो चीज़ जो है वो हैवानात की किस्म में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद बात करते हैं इंसानी सेहत की, तो इसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं, तशखीस अमराज और अमराज का इलाज इंसानी सेहत के दो अहम जुज़ है, यानी कि किसी भी मर्ज को पहचानना और फिर उस मर्ज का इलाज करना, यही दो चीज़ होती है। यानी हमको क्या मर्ज है वो पता चले और फिर उसे सही कैसे कर सकते हैं वो, तो किसी शख्स की बीमारी की तशखीस करने के लिए उसे पहचानने के लिए उस शख्स की जीनीन का क्या किरदार है, इसे हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आसानी से समझा जा सकता है। डायबिटीज़ और दिल की बीमारी की तशखीस अब जिस्मानी अलामात नज़र आने से पहले ही हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से एड्स डेंगू जैसी बीमारियों की तशखीस भी चंद मिनटों में हो जाती है, जो टेस्टिंग वगैरह की जाती है, अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से इलाज जो है वो जल्द किया जा सकता है। यानी हमको ब्लड टेस्ट की वजह से जो है फट से पता चल जाता है कि ये बीमारी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो हम जो है उसे फ़ौरन ही क्योर कर सकते हैं। अमराज के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात यानी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो है वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसुलिन जो है वो पहले मतलब हयाती टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो है वो घोड़ों से हासिल किया जाता था, यानी घोड़े के जिस्म में जो है वो उसकी गर्दन के पास और पिछले हिस्से में और आगे के पैर के पास जो है वो ऐसे कुछ खास हिस्से थे जिसके जिसमें से जो है वो ये मुहरखाब यानी ये हार्मोन जो है हम हासिल कर सकते थे, तो घोड़ों के जिस्म से हासिल किया जाता था और फिर डायबिटीज़ का इलाज होता है। लेकिन अब जो है हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से यही इंसुलिन जो है वो
बैक्टीरिया के जरिए तैयार किया जाने लगा है। इसके लिए बैक्टीरिया के जीन में इंसुलिन का इंसानी जीन जोड़ा जाता है और इस तरीके से जो है वो टीके या जो एंटीबायोटिक्स है वो जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब जो है वो घोड़ों के जिस्म से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है वो लैब में इंसुलिन बनना शुरू हो चुका है, मतलब तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको। तो उसके बाद आता है टीका और टीका लगाना, यानी वैक्सीन और वैक्सीनेशन। मखसूस बीमारी के जरासीम या बीमारी के खिलाफ दायमी तौर पर यानी हमेशा के लिए या कुछ अरसे के लिए मुदाफती सलाहियत यानी उसके खिलाफ लड़ने की सलाहियत हासिल करने के लिए दी गई तुरियात मिली हुई अशिया को टीका कहते हैं। यानी किसी भी जरासीम या बीमारी के खिलाफ थोड़े टाइम के लिए या लंबे अरसे के लिए उससे मुकाबला करने के लिए जो है वो जो दवा दी जाती है वो जो है वो टीका कहलाती है, यानी जो वैक्सीन होता है। रिवायती तौर पर बीमारी के जरासीम का ही इस्तेमाल करके टीका बनाया जाता था, यानी जो बीमारी है एक्चुअली उसके कुछ जरासीम लेकर या तो उसको मुकम्मल तौर पर मार दिया जाता था उस जरासीम को, या वो नीम मुर्दा हालत में होते थे और फिर जो है वो उसमें जो है चीज़ें ऐड करके टीका बनाया जाता था और फिर जो है वो टीके लोगों को लगाए जाते थे। लेकिन इससे जो है वो क्या होता था कि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है, तो कुछ लोगों को जो है वो जिस बीमारी के जरासीम से वो टीका बनाया गया है वही बीमारी उन लोगों को लग जाती थी। तो इस वजह से जो है वो इसका मुतबादिल हल यानी इसका जो है इलाज निकालते हुए साइंसदानों ने जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मस्नूई टीका यानी बिना जरासीम के जो है वो बनाने की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया, जो बीमारी के जरासीम होते थे उसमें से जो है वो अब उसे उसका सिर्फ प्रोटीन निकाला और उसको जो है वो एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर तजुर्बेगाह में इसके जीन मिलाकर एंटीजन तैयार किया, मतलब उस पर जो है सारा प्रोसेसिंग हुआ और इसकी वजह से जो है वो टीके जो है इंतहाई महफूज टीके हो गए हैं। यानी अब जो है वो उस मर्ज जिस मर्ज का टीका बनाया गया है वही मर्ज दोबारा नहीं होता। तो इसके लिए जो है वो एक जो है वो जीन या प्रोटीन लिया जाता है और फिर उस पर जो है काम किया जाता है, वैक्सीन बनती है, लोगों को लगाया जाता है और इससे जो है वो उनका जो अंदर का इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है और बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है अंदर। अब नीम मुर्दा या मुर्दा जरासीम या वायरस का इस्तेमाल ना करते हुए प्रोटीन जो है वो अब खालिस हालत में दी जाती है, यानी जो जरासीम के वायरस थे उसको हटा दिया जाता है, उसमें से सिर्फ प्रोटीन लेकर जो है वो वैक्सीन बनाई जाती है। ये प्रोटीन मर्ज के खिलाफ मुदाफियाना कुव्वत तैयार करके शख्स को बीमारी से महफूज रखती है। टीका लगाने में अब मुदाफती प्रोटीन दाखिल करना नहायत ही महफूज हो गया है और इसके लिए जो अब जो है ये काफ़ी आम हो गया ये प्रोसेस। हैती टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले टीके ज़्यादा दर्ज हरारत मुस्तकिल रखते हैं और उनकी सलाहियत काफ़ी अरसे तक कायम रहती है, जैसे कि जो पोलियो का टीका है या फिर हेपेटाइटिस का जो है वो टीका लगाया जाता है। पोलियो का टीका तो आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा, काफ़ी कॉमन है ये, तो ये भी जो है वो इसी की एक मिसाल है। अब आता है खुरदनी टीका यानी एडिबल वैक्सीन, यानी ऐसा वैक्सीन जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हमको इंजेक्शन से लगवाना नहीं पड़ता बल्कि हम इसे जो है वो खा सकते हैं। इसका जो है वो काम अभी भी जारी है, यानी इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। खुरदनी टीका बनाने का काम जारी है। अब जीनी टेक्नोलॉजी की मदद से आलू की पैदावार की जा रही है। ऐसे आलू को ट्रांसजेनिक आलू यानी ट्रांसजेनिक पोटैटोस कहते हैं। ये आलू वाइब्रियो कॉलरा और स्कैरिचाए कॉली ये दो बैक्टीरिया के खिलाफ जो है काम करते हैं, यानी कि अब जो है वो ऐसे आलू की पैदावार की जा रही है जिसके अंदर जो है वो लोग वैक्सीन जो है वो डाल चुके हैं। यानी ऐसे आलू को खाने से कॉलरा या ई कोलाय जो है ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ हमको लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे ट्रांसजेनिक आलू को अगर हम पका कर खाएं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। खैर उस पर तो अब भी रिसर्च चालू है, अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो आप लोग गूगल पर जाकर पढ़िएगा ज़रूर। फिलहाल हम उसका प्रोसेस देखते हैं। जीनी तरसील करदा आलू, इसमें जो है वो इंसानी बीमारी वाले जरासीम से हस्ब ख्वाहिश जीन अलग कर लेना, यानी हमको जिसके खिलाफ बनाना है वो वाला जीन निकाल लेना। फिर उसको जो है वो नबातात में वायरस दाखिल करना, यानी जीनी तरसील करदा नबाती वायरस यानी उसका निकाल कर उसे जो है वो नबातात में दाखिल करना। और फिर आलू के पत्तों के टुकड़ों में वायरस की सलाहियत चेक की जाती है। पत्तों के टुकड़े से मुकम्मल पौधा तैयार किया जाता है जिसमें इंसानी बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं, यानी कि जो बीज या जो शुरुआती प्रोसेस है उसमें वही टाइम पर जो है उसमें वैक्सीन मिला दी जाती है और फिर जो है वो पूरा पौधा उगता है। कच्चे आलू को खाने पर बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़े जो है बढ़ती है, यानी इस तरह के जो ट्रांसजेनिक आलू आते हैं उसे जो है वो कच्चा ही खाना चाहिए और अगर उसे पका कर खाए तो क्या होगा, इस पर जो है वो अब भी रिसर्च चालू है।
और वो डिपेंड है कि वो हर तरह के इंसान को सूट करे, ये भी जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें आती है वो है मर्ज का इलाज। यानी अब जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से ऐसी चीज़ें बनने लगी है जिससे काफ़ी बीमारियों के इलाज निकला है, जैसे इंसुलिन। उसके अलावा जो है सोमटोट्रैपिन, ये नशोनुमा करने वाले मुहरकाब है, खून को मुंजमित करने वाले जूस की पैदावार, ये सब जो है वो हयाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई जाने लगी है। इंटरफेरान, ये प्रोटीन का एक छोटा सा ग्रो होता है और ये वायरस के मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पैदावार जो है वो हमारे खून में होती है और उसमें से जो है वो इससे निकाल लिया जाता है। अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से जीन के लिहाज से बेहतर बैक्टीरिया ई कोलाई का इस्तेमाल करके इंटरफेरान जो है वो बनाया जाता है। ये भी जो है वो वायरस के खिलाफ, वायरस के मर्ज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जिस तरह से हमने सेल थेरेपी देखा था थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट हम देखते हैं जिस्मानी खुलिए के जीन में खराबी पैदा होने पर इस खुलिए पर जीनी इलाज करना हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो गया है। मसलन फेनाइल कैटियोनेरिया PKV नामी मर्ज जिगर के खुलियों के जीन में जो है वो खराबी से होता है। यानी जो इंसानी जिस्म में जो जिगर के खुलियात हैं उसके अंदर उनके जीन में जो है वो कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से ये मर्ज होता है। जीन थेरेपी की वजह से अब इसका इलाज मुमकिन हो गया है। इस तरीके को जिस्मानी जीनी इलाज तरीका कहते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो भी खुलियात अफजाइश नस्ल में हिस्सा लेते हैं यानी मनवी खुलिया, बैस खुलिया, उनके अलावा जिसमें जितने भी खुलिया हैं उन्हें जिस्मानी खुलिया कहते हैं। तो जब भी जिस्म के किसी जिस्मानी खुलिए में, यानी जिस्मानी खुलिए के जो जीन है यानी जो उनके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे DNA RNA वगैरह, उसमें जब खराबी होती है तो उसका भी जो है इलाज मुमकिन हो गया है। कि अगर आपके किसी खुलिए के जीन में प्रॉब्लम हुई है तो अब जो है वो जीन थेरेपी से उसे सही किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग यानी किसी खुलिए या उजू या मुकम्मल जिस्म की हूबहू नकल तैयार करना। यानी कोई एक पार्ट या कोई एक खुलिया या पूरा का पूरा बॉडी, पूरा पूरा इंसान जो है वो डिट्टो सेम बनाना, इसे जो है वो क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग जो है वो दो तरह का होता है। पहला है तौलीदी क्लोनिंग, यानी किसी जिस्म में मरकज़े के बगैर मादा बेजा और दूसरे जिस्म के जिस्मानी खुलिए के मरकज़े के मिलाप से क्लोन बनता है। यानी नई पैदाइश के लिए मर्द के नर खुलियों की ज़रूरत नहीं होती। यानी इसमें क्या किया जाता है, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें जो है वो एक जो है एग सेल्स लिए जाते हैं यानी मादा बेजा जो है वो लिया जाता है, और दूसरे से जो है वो यानी एक डोनर से जो है वो सोमेटिक सेल्स यानी जो जिस्मानी खुलिए है उस दोनों को जो है यानी उस एग सेल को और जो है जिस्मानी खुलिए उन दोनों को मिलाया जाता है। और फिर उसके मिलाप से जो है वो उसके आगे जितना प्रोसेस जैसा होता है बिल्कुल उसी तरह से होगा, और उसके बाद जो है वो एक नया जानदार बनता है जो बिल्कुल जो है वो डिट्टो सेम होता है। जैसे हमने जो है वो देखा था यकखुलवी जानदारों में जिस तरह से अफजाइश नस्ल होती है, कुछ कुछ उस किस्म का है। लेकिन इस पे क्या किया जाता है कि जो मादा बेजा है उसके अंदर जो है वो जिस्मानी खुलिए के मरकज़े का मिलाप होता है और उसमें जो है वो क्लोन बनता है, यानी कि जो है बिल्कुल सेम जानदार बनता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है मुआलजाती यानी थेरापीटिक क्लोनिंग। मरकज़े के बगैर मादा और दूसरे जिस्म के जिस्मानी खुलिए के मरकज़े के मिलाप से तैयार होने वाला खुलिया तजुर्बा गाह में परवान चढ़ाकर उसमें से जो है वो साग खुलिया तैयार किया जाता है। साग खुलिया हम जानते हैं जो ब्लास्टोसाइट एकदम जो शुरुआती प्रोसेस होता है उसमें जो है वो बहुत से साग खुलिए तैयार होते हैं, वहाँ से जो है वो साइंटिस्ट ले लेते हैं। या फिर जो है आगे आर्नोल नली है, और इसके अलावा रेड बोन मैरो, एडिपोज टिश्यूज़ और खून के जो है सेल्स है उसमें से भी स्टेम सेल्स हासिल किए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो किसी भी शख्स की कोई भी बदनज़मी जो है वो स्टेम सेल्स की तरफ से ठीक कर सकते हैं। खुलिए के जैसा ही जीन की क्लोनिंग करके इस किस्म के लाखों जीन तैयार किए जाते हैं जो जीनी इलाज और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लोनिंग से जो है वो मौरूसी बीमारियां, जो विरासती बीमारियां चली आ रही है नस्ल दर नस्ल, या फिर नस्ल में नशोनुमा जारी रखना, मखसूस रुझानात को बेहतरीन बनाना मुमकिन हो गया है। लेकिन फिर भी कई वजूहात के बिना पर जो है इंसानी क्लोनिंग यानी एक जैसा इंसान बनाना, इसकी जो है दुनिया भर में मुखालिफत हुई है। मुआलजाती क्लोनिंग किस तरह से होती है, जो पहले एक्सेल और स्किन सेल्स मिलाए जाते हैं, उन दोनों का जो है वो तजुर्बागाह में उससे जो है वो पूरा प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो है जब तक ब्लास्टोसाइट का प्रोसेस आता है तब तक जो है वो
वो प्रोसेस लैब में होता है और वहाँ से ब्लास्टोसाइट से जो है वो साग खुलियन स्टेम सेल्स निकाल दिए जाते हैं, और फिर जैसे जैसे जो है वो जिस इंसान को उसकी ज़रूरत हो उस तरह से उसमें से जो है वो नसीजे तैयार की है, उजू तैयार किया जाता है। ये जो है वो दोनों प्रोसेस है, ये जो आपको दिख रहा है रिमूव स्किन सेल्स फ्रॉम अ पेशेंट, रिमूव DNA फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, इन दोनों का यानी एक का स्किन सेल और एक का एग सेल मिलाकर जो है फ्यूजन किया जाता है, और वहाँ से जो है वो ब्लास्टोसाइट तक सारा प्रोसेस लैब में होता है। उसके आगे फिर जो है वो उसे नशोनुमा के लिए जो है दे दिया जाता है, जिससे जो है वो एक नया जानदार बनता है, और कुछ साग खुलियां लेकर जो है वो उससे थेरेप्यूटिकली क्लोनिंग की जाती है। नेक्स्ट है सनअती पैदावार यानी सफ़ेद हयाती टेक्नोलॉजी। मुख्तलिफ सनअती कीमियाई मादे कम खर्च के अमल के ज़रिए बनाए जाते हैं, मसलन इसलाहशुदा ईस्ट का इस्तेमाल करके गारे से शराब बनाना, यानी अब जो है वो कुछ इस तरह के जो है वो ईस्ट आ गए हैं जिससे जो है वो गारे के ज़रिए शराब बनाई जाती है, यानी इसमें जो है वो ये टोटली पूरी तरह से जो है वो सनअती पैदावारों के लिए है कि जो पहले इतने बड़े बड़े जो है खर्चे करके जो है वो केमिकल्स के ज़रिए बनाए जाते थे, उसमें जो है अब इस तरह की चीज़ें बन गई है कि अब जो है कम खर्चों में वही चीज़ जो है वो उसी तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन खर्चा कम होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब साइंटिस्ट ने बना ली है, काफ़ी सारे जो है वो खुर्दबीनी जानदारों के इस्तेमाल सीख गए हैं, और काफ़ी सारे जैसे ईस्ट वगैरह की अलग अलग किस्में आने लगी हैं। माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी, जदीद हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माहौल के ताल्लुक से भी कई मसलों को हल करना मुमकिन हो गया है, जैसे तजिए के ज़रिए गंदे पानी और ठोस कचरे पर अमल करने के लिए खुर्दबीनी हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही किया जाता था, जो हमने 7वें सबक में पढ़ा था। गंदे पानी में बहुत ज़्यादा नामियाती मादे होते हैं, ऐसे गंदे पानी को नदी जैसे कुदरती पानी के ज़राए में छोड़ने से जो है वो नामियाती मादों की तकसीद होती है, जिसकी वजह से नदी के पानी में तहलील शुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने से ये कम हो जाती है, जिसका मुजिर असर पानी में रहने वाले जानदारों पर होता है, यानी इसमें जो है वो कुछ खास किस्म के नामियाती मादे छोड़े जाते हैं जिसकी तकसीद से पानी में जो कुछ मुजिर असरात यानी जो कुछ भी नामियाती मादे नुकसानदेह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो चीज़ें यानी वो जानदार जो भी छोड़े जाते हैं, जो बैक्टीरियाज छोड़े जाते हैं वो उन चीज़ों को जज्ब कर लेते हैं, और फिर जो पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी के जानदारों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता है। इस पर इलाज के तौर पर खुर्दबीनी हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से गंदे पानी में नामियाती मादों की पहले तकसीद करके ये गंदा पानी जो है वो अब नदी में छोड़ते हैं, यानी पहले पूरा प्रोसेस होता है फिर गंदा पानी नदी में छोड़ा जाता है। ठोस नामियाती कचरे पर जो है अमल करके कंपोजिट खाद तैयार करने के लिए भी खुर्दबीनी बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है, यानी अब जो ऐसे बैक्टीरियाज छोड़े जाते हैं जो खाद बनाने में जो है वो कंपोजिट खाद बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं, और इन सारी चीज़ों के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है, और ये जो है हम 7वें चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अगर वो पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। जदीद हयाती टेक्नोलॉजी के तरीकों में हयाती मंसूबे, हयाती हशरात का, हयाती खादें और हयाती हसियात वगैरह का शुमार होता है, यानी अब जो है वो अलग अलग पेस्टिसाइड्स बनाने लगे हैं जो कि इतना नुकसानदेह नहीं होता है, इसके अलावा जो है खाद बनाई जाती है, इस तरह की काफ़ी सारे मंसूबे अब जो है वो अंडर प्रोसेस है, और काफ़ी सारे मंसूबे अमल में भी लाए जा चुके हैं। हयाती मंसूबे यानी नबातात और खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके जो है वो पानी, गंदा पानी, आलूदा ज़मीन, इनमें जहरीले मादे और आलूदगी को ख़त्म करना और जज्ब करना, यानी जो हयाती मंसूबे है उसका मतलब क्या होता है कि जो नबातात और जो खुर्दबीनी जानदार है उनके इस्तेमाल से पानी है या गंदा पानी है या ज़मीन गंदी है उनमें जो जहरीले मादे हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर देना, या फिर जो है वो ये चीज़ें अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेती है। तो ऐसे काम के लिए यानी ऐसी जो आलूदगी ख़त्म करने के लिए जब पौधों का इस्तेमाल होता है तो उससे जो है वो फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं, जिसकी कुछ मिसालें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है सोडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आलूदा पानी और ज़मीन की हाइड्रोकार्बन और तेल जैसी आलूदगी अलग करने के लिए मुफीद होता है, यानी इसे जब ज़मीन पर जो है वो छिड़का जाए या छोड़ा जाए तो ये जो है वो ज़मीन में से जो हाइड्रोकार्बन है और तेल है ऐसी आलूदगी को जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो एक तरह से जो है वो ज़मीन की आलूदगी कम हो जाती है, मिट्टी की आलूदगी कम हो जाती है। उसके बाद जो है वो टेरेस विटाटा नाम की एक फर्न की एक जो फर्न जमात है उसका एक पौधा है, उसकी एक किस्म है जो ज़मीन में से जो है वो एर्सेनिक को जज्ब कर देती है, एर्सेनिक जो है वो एक तरह का केमिकल है, तो ये जो है वो अपने अंदर पूरा वो मतलब ज़मीन में से जो है वो इसकी जड़ें पूरा अपने अंदर उस चीज़ को सोख कर लेती है।
उसके बाद भारत में जो है वो जीन के लिहाज से एक राई की किस्म आती है जो सेलेनियम मादनी दौलत को जो है वो बड़े पैमाने पर जज्ब करती है। उसके अलावा सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो ज़मीन से यूरेनियम और एर्सेनिक को जो है वो अपने अंदर जज्ब कर सकता है। डीएनोकोकस रेडियोडोरन्स नाम का एक बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा तापकारी रोकने वाला जानदार है, यानी ये जो है वो जो अल्ट्रावायलेट शुआएं होती है उस किस्म की चीज़ों को ये अपने अंदर जज्ब कर सकता है या उसे जो है ख़त्म कर सकता है। तो इसके जीन में थोड़ी सी तब्दीली करके जो है वो एटमी कचरे जो होते हैं जिनसे ऐसी शुआएं ख़तरनाक शुआएं निकलती है इनको जो है तापकारी ऐसी चीज़ों को जज्ब करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अल्फा अल्फा घास घास जो है या तीन पत्ती घास जैसे क्लोवर कहते हैं और राय जैसी घाई की जैसी घास की किस्म का इस्तेमाल करके जो है वो नबातात के ज़रिए तदारुक किया जाता है, यानी इन चीज़ों का यानी इन किस्म की घास का भी जो है वो इस्तेमाल इस तरह की आलूगी को कम करने के लिए किया जाता है। अनाज की बायोटेक्नोलॉजी वही चीज़ है जो हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था कि पाव है, चीज़ है, शराब है, बियर है, दही, सिरका, ऐसी जो खाने की अशिया है इसको बनाने में अब जो है खुर्दबीनी जानदारों की मदद ली जाती है। और ये जो अनाज पर जो प्रोसेस है खुर्दबीनी जानदार का ये बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पुरानी यानी सबसे शुरुआती दौर की जो है वो इजादात है कि हम जो है खाने में भी माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी जिस तरह हम जानते हैं कि हर एक की जो है वो उंगलियों के निशानात अलग होते हैं उस तरह हर शख्स की डीएनए की तरतीब भी अलग होती है, यानी कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो हर शख्स में जो है वो अलग अलग तरह से होता है। तो इसकी वजह से किसी भी शख्स के मुहैया करदा डीएनए पर नहीं, अगर किसी शख्स का डीएनए या फिंगरप्रिंट हमें किसी जगह से मिले तो हम उस शख्स की शनाख्त जो है वो कर सकते हैं, इसे जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, स्पेशली जो है वो फॉरेंसिक साइंस में या तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर जो है वो अगर कोई बच्चा खो गया हो या उसके बच्चे की जो है वालिद की पहचान करानी यानी उसके जो है वो फादर को ढूंढना हो तो उसमें भी जो है वो इसकी तहकीक यानी काम किया जाता है। कैसे होता है कि किसी भी वारदात की जगह मिलने वाले मुजरिम के जिस्म के किसी भी हिस्से की अगर कोई निशानात मिल जाए तो उसकी पहचान जो है वो इसके ज़रिए की जाती है। इसके अलावा बच्चे के जीन और वालिद के जीन जो है वो उसमें मैच करके जो है वो पहचान की जाती है। ऐसा ही एक जो है वो तहकीकी सेंटर है यानी एक रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में जिसे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहा जाता है। ये भी जो है ये इदारा भारत में इस तरह का काम करता है। सो, आज के लिए इतना ही और लास्ट पार्ट 3 और क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द ही डालूंगी। उम्मीद है आपको समझा होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा। लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव न्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।